Hello students, in the previous video we studied about the different types of scales. Now today we will start with measuring distances. So आज मैं आपको बताऊंगी कि distances कैसे measure किए जाते हैं maps पे. So basically there are two ways of measuring distances. The first one is direct distance. Let us see how direct distance is measured. It is called the straight distance. For this a ruler is used and the distance between two points is mentioned in the question. Take the distance in centimeters on the scale using the appropriate scale mentioned in the question. Convert the distance into meter or kilometers as required. अब मैं आपको बता दूं कि जो direct distance होता है वो हम हमेशा straight line को measure करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. अगर straight line है जैसे कि दो एक road के बीच का difference दिया हुआ है, एक road का end है या फिर एक tunnel है, tunnel के दो ends है, tunnel यहाँ से A से शुरू हो रहा है और B पे खत्म हो रहा है, तो अगर इसके बीच का distance measure करना है तो हम क्या करेंगे, अगर map में हमें दिया हुआ है तो हम scale लेंगे, ruler लेंगे, centimeter पे डिस्टेंस मार्क करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, मैप के ऊपर. अब हम मैप की स्केल देखेंगे कि हमारा जो मैप है किस स्केल का है. फॉर एग्जाम्पल हमारा जो मैप है वो है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर. अगर इस स्केल का मैप है तो मतलब आप देखिए यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 1 किलोमीटर और बचा हुआ 1 सेंटीमीटर का मतलब हुआ आधा किलोमीटर. तो दैट इज मीन्स 1.5 किलोमीटर का ये हमारा 3 सेंटीमीटर जो है मैप पे वो ग्राउंड पे कितना हो जाएगा 1.5 किलोमीटर. तो इस तरह से हम जब दो पॉइंट्स के बीच में एकदम स्ट्रेट डिस्टेंस होता है तब हम डायरेक्ट डिस्टेंस मेजर करते हैं. बट जरूरी है कि ऐसा है कि हर जगह पे स्ट्रेट लाइन ही हो. कहीं जंगल होगा, कहीं रिवर होगा, कहीं प्लेट्यूज होंगे, कहीं प्लेन्स होंगे, तो वहां पे तो क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा डिस्टेंस होगा, कर्व्ड लाइन्स होगी. तो उस जगह पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इनडायरेक्ट डिस्टेंसेस मेजर करते हैं डिस्टेंस को. अब इनडायरेक्ट डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैप पे आप देख लीजिए ये ए है और ये बी है, दो पॉइंट्स है, इसके बीच का आप डिस्टेंस देखिए कर्व्ड लाइन है. तो आप क्या करेंगे, एक थ्रेड लेंगे, ठीक है, एक धागा लेंगे और धागे को क्या करेंगे, जिस तरह से ये कर्व्ड लाइन बनी हुई है उसी तरह से थ्रेड को रख देंगे, राइट, ए से स्टार्ट करेंगे बी पर रख देंगे. अब उस थ्रेड के बी वाले एंड पे मार्क लगा देंगे और ए वाले एंड पर मार्क लगा देंगे, ठीक है. उसके बाद क्या करेंगे, आप स्टेप्स देखिए, स्ट्रिंग को आपने ले लिया, ठीक है, सफिशियंट लेंथ की, ए नॉट वन एंड पे रख दिया स्टार्टिंग पॉइंट से, फिर एंड पॉइंट तक रख दिया. मेजर द लेंथ अलोंग द कर्व्स एंड बेंड्स ऑफ द रोड, ठीक है, मेजर करेंगे पूरी लेंथ, हमने मेजर कर लिया, उसके बाद उसको हटा लीजिए उस धागे को, राइट. देन व्हेन यू कंप्लीट मेजरिंग, आपने कंप्लीट कर लिया, मार्क लगा लिया, ठीक है, मार्क एट द पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग यूजिंग नेल्स और पेन्स, आप पेन का इस्तेमाल करके लगाइए, दैट विल बी बेटर. नाउ मेजर द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑन द रूलर, उस धागे को सीधा करिए और रूलर रखिए, ठीक है, रूलर रखने के बाद मेजर करिए कि कितना डिस्टेंस आ रहा है, वो जो डिस्टेंस आएगा उस धागे का रूलर पर वो हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट डिस्टेंस, ठीक है. यूजिंग द अप्रोप्रिएट स्केल कन्वर्ट द सेम इनटू किलोमीटर्स, अब वो जो सेंटीमीटर में हमने निकाला है उसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, देखेंगे कि कौन सी स्केल पे हमारा मैप बना हुआ है. अगर हमारा मैप बना हुआ है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 500 मीटर, तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि मैप पे हमारा आ रहा है 3 सेंटीमीटर, तो आप जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 500 500 500, मतलब कि 1.5 किलोमीटर, जैसा कि पिछला वाला हमने किया था, ठीक है. इन बोथ द अबव केसेस इफ नो स्केल इज मेंशन इन द क्वेश्चन इट इज कन्वीनियंट एंड इजी टू यूज द स्टेटमेंट स्केल. अगर क्वेश्चन में कोई स्केल नहीं दी है अभी, तो हम कौन सी स्केल इस्तेमाल करते हैं, स्टेटमेंट स्केल. और स्टेटमेंट स्केल मैंने आपको बताया था कि उसका सीधा मतलब होता है 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर होता है, राइट. तो ये हमारा हो गया मेजरिंग डिस्टेंसेस. अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे जो है डायरेक्शंस, राइट. डायरेक्शंस हमारे मैप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना डायरेक्शंस के हम मैप में कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है. फॉर एग्जांपल पहले तो हमको ये समझना होता है कि जब दो जगह दी हुई है तो डायरेक्शन मेजर कैसे करना होता है, ठीक है. क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए फ्रॉम बी, अगर ये पूछता है कि ए का डायरेक्शन क्या है फ्रॉम बी से, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि हम बी पे खड़े हुए हैं, ए पर नहीं, क्योंकि पूछा है फ्रॉम बी, तो बी से, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि हम बी पर खड़े हुए हैं, ए पर नहीं, ठीक है. बेसिकली डिस्टेंसेस हमारे कितने, डायरेक्शंस कितने तरह के होते हैं, देखिए मैं आपको इससे समझाती हूँ. नॉर्थ डायरेक्शन,
फिर नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो बेसिकली हमारे जो मेजर डायरेक्शंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब इनके बीच में जो आते हैं इनको क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ एंड वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। तो बेसिकली हमारे कितने हुए, 4 + 4, 8 डायरेक्शंस होते हैं टोटल, राइट। अब देखिए हाउ टू आइडेंटिफाई डायरेक्शन, डायरेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, हमें पहले ये देखना होगा कि डायरेक्शंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिया है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए फ्रॉम बी, तो मतलब कि हमको बी से डायरेक्शन देखना है ए का। तो ये हम मान लेंगे कि हम बी पर खड़े हुए हैं, तो कार्डिनल पॉइंट्स बनाते हैं। कार्डिनल पॉइंट्स किसको कहते हैं, पहले सबसे पहले यूजिंग अ पेंसिल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। सबसे पहले आप पेंसिल लीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, फिर ड्रॉ 4 कार्डिनल डायरेक्शंस एट द प्लेस। डायरेक्शंस बना लीजिए ऐसे 1, 2, ठीक है, आपका 1, 2, 3, 4, 4 पॉइंट्स आ गए, ये आपको बनाना होगा, राइट। तो आपने पहले इसको जोड़ लिया, फिर 4 पॉइंट्स बना दिए, तो उसके बाद आप फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट करेक्ट डायरेक्शन ऑफ ए। अब आपको पता चल गया कि आप यहाँ पे खड़े हुए, तो आप देख सकते हैं कि आपको ये दिख रहा है क्या है, नॉर्थ ईस्ट, समझ में आ रहा है ना, नॉर्थ ईस्ट। तो इस तरह से आप डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ बियरिंग हमें नहीं पढ़ना है बिकॉज दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। नाउ वी विल स्टार्ट विद ग्रिड रेफरेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही हमारा मेन है, हमें जो जानना है। ग्रिड रेफरेंस होता क्या, आपको मैं बता दूं कि व्हाट आर ग्रिड्स, वी मस्ट नो दैट समथिंग अबाउट द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन रेड लाइंस ड्रॉन ऑन द सर्वे मैप, ठीक है। हमें क्या होता है कि जो सर्वे मैप में हमें, अगर हम सर्वे मैप के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप हमेशा याद रखिएगा उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बनी होती है सर्वे मैप में, टोपोग्राफिकल मैप्स में, ठीक है। जिसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि ईस्टिंग्स क्या होती है। ईस्टिंग्स जो होती है वर्टिकल रेड लाइंस, वर्टिकल मतलब ये स्टैंडिंग लाइंस जो होती है, इसको ईस्टिंग्स का नाम दिया गया है, ईस्टिंग्स का। रेड कलर से बनी होती है, पैरेलल होती है, ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच में 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है, जिसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20 मिलीमीटर। दे हैव 2-डिजिट न्यूमेरिकल वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है। देखिए मतलब कि छोटे से बड़ा 33, 34, 35, 36, 37, 38, ऐसे ये असेंडिंग ऑर्डर में इनकी वैल्यू होती है, दो नंबर की वैल्यू होती है। जैसे कि आप, और कहां से स्टार्ट होती है, वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट हम मूव करते हैं। लोएस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी होती है, 0, 0, यहां पर 0, 0 भी हो सकता है, 0, 1 हो सकता है, 0, 2, 0, 3, ठीक है, एंड हाईएस्ट वैल्यू 99। तो बेसिकली 0 to 0, 0, 0 से लेकर 99 तक हमारा क्या होता है, ये ईस्टिंग्स के नंबर्स दिए जाते हैं। अ गिवन मैप एक्सट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ 11 ईस्टिंग्स, एक मैप में 11 ईस्टिंग्स होती हैं मैक्सिमम, जो कि 10 कॉलम बनाती हैं, राइट। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दीज काउंटिंग्स कैन बिगिन फ्रॉम एनी नंबर रेंजिंग फ्रॉम 0 to 99। जैसे मैंने बताया न्यूमेरिकल वैल्यू 0 से लेकर 99 के बीच में कहीं भी हो सकती है, लेकिन 2 0 यूज होंगे और उसके बाद 0, 1, 0, 2, फिर 99 तक जाती हैं। इसी तरह से सेम आ जाते हैं हम नॉर्थिंग्स पे। नॉर्थिंग्स क्या होती हैं, नॉर्थिंग्स आर रेड हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब ये देखिए स्लीपिंग लाइंस, ये स्टैंडिंग लाइंस, ये जो स्लीपिंग लाइंस होती है फ्लैट, ये हमारी क्या हो जाती है, इसको नॉर्थिंग्स हम कहते हैं, राइट। ये भी रेड कलर से ड्रॉन होती है, पैरेलल होती है एक दूसरे के, ठीक है। इस तरह से देखिए पैरेलल है, इसके बीच में भी 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है, मतलब कि 20 मिलीमीटर। दे हैव 2-डिजिट न्यूमेरिकल वैल्यू, इनमें भी 2-डिजिट की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, किस ऑर्डर में होती है हमारी, साउथ टू नॉर्थ के बीच में। साउथ हमारा क्या है, ये है, और ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है। तो हम साउथ से असेंड करते हैं, ये साउथ से स्टार्ट करते हैं, देखिए असेंड हो रही है, बढ़ती जा रही है, 95, 96, 97, 98, इस तरह से बढ़ती जाती है। गिवन मैप एक्सट्रैक्ट में क्या होता है, 11 नॉर्थिंग्स होती है, जो कि 10 रोज बनाती है, ठीक है, 10 रोज बन रही है, इसमें कॉलम्स बनते थे, इसमें रोज बन रही है, ठीक है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दीज नॉर्थिंग्स कैन बिगिन फ्रॉम एनी नंबर रेंजिंग फ्रॉम 0 to 99, इसमें भी वही सेम चीज होगा, 0 से लेकर 99 के बीच में कोई भी नंबर क्या होता है, हो सकता है इन नॉर्थिंग्स का। तो ये बिल्कुल सेम वैसा ही है, बस
फर्क इतना है कि ये फ्लैट लाइंस होती है, वो स्टैंडिंग लाइंस होती है। और ये साउथ से नॉर्थ तक शुरू होती है हमारी, देखिए साउथ से, ये साउथ हो गया हमारा, ठीक है, साउथ से नॉर्थ तक जाती है और ये वेस्ट से ईस्ट तक आती है, राइट। तो ये हमारे नॉर्थिंग्स एंड ईस्टिंग्स हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे फोर ग्रिड रेफरेंस एंड सिक्स ग्रिड रेफरेंस निकाला कैसे जाता है। तब तक आप इसको रिवाइज करिए, ठीक है। थैंक यू क्लास।